उस भाव को भी देखना है, हमने भाईचारा अपना बना के रखना है। प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने वाले जो लोग हैं उनको दूर रखना है। वातावरण खराब करने की कोशिश यहां भी की जा रही है, लेकिन नहीं होने देंगे। डराया धमकाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहो, कोई आपका बाल बांका करने वाला नहीं है यहां, चिंता मत करो। मेरे पास समाचार रोज आ जाते हैं कि कुछ लोगों को धमकाने के लिए वहां लोग पहुंच गए कि तुम फलाने को वोट नहीं दोगे, दोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, वोट हमारी जमीर है, हमारी अपनी खुद मर्जी के साथ वोट हमने देना है, जिसकी इच्छा होगी उसका वोट देंगे, कोई दबाव से हम वोट नहीं ले सकता। इसलिए किसी प्रकार का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी का दबाव मानने की भी जरूरत नहीं है। आज तक जब इस इलाके में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा, जो आज बोलबाला अपना जबरदस्ती का दिखाना चाहते हैं, उनका काम क्या होता था? यही होता था, चलो इसको किसी को पकड़ के थाने में ले जाना, थाने में ले जाओ, बाद में थाने से निकलवा के लेना, निकलवा के ले आओ, थाने में भेजना, थाने से निकलवाना, यही काम होता था। हम इस काम को नजदीक ना किसी को जाने देंगे और ना कभी सपने में हम सोचेंगे। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, सबकी सेवा के लिए आए हैं। मित्रों, हमने किसानों के लिए भी, मुझे याद है 2015 में ही, 15 में एक बड़ा संकट आ गया था, बरसात आई थी, गेहूं जो है खराब हो गई थी, ओले पड़ गए थे और फसलें सब खराब हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा मुआवजा 3 जिलों में मिला था, या तो पलवल जिले में मिला था, या भिवानी जिले में मिला था, या सिरसा जिले में मिला था। तीनों जिलों में 2015 के अंदर मुआवजा मिला, और जब जब कोई खराबा आया उसका हमने हर एक किसान को समय रहते, हालांकि बाकी प्रदेशों की सरकारों में इतना मुआवजा नहीं जितना हम देते हैं, 12,000 रुपया मुआवजा सरकार देती है, बीमा कराएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीमा कराने में भी अब किसान आगे आने लग गए, अच्छी बात है, नहीं भी कराएंगे तो 12,000 रुपया हम देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2019 में जब मैं आया, मुझे याद है, यहां इसी सड़क से निकला था तो लोगों ने कहा कि सेम की समस्या है, 15-16 गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। अब जो कि कोविड था, उस कोविड में हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन योजना सारी बन गई है और उसका फंड भी रिलीज कर दिया है, कुछ गांव के अंदर काम शुरू भी हो गया है। मुझे जो बताया गया है, अभी 4 गांव हमने बताए हैं, रूपाणा बिश्नोईया, वहां तो सोलर का जो है एक प्रोजेक्ट भी लगा है। है कोई सोलर यहाँ रूपाणा का? रूपाणा का है कोई? आप है? लगा है? लग गया है। ऐसे ही वहां बोर शुरू हो गए हैं गंजा रूपाणा में, शंकर मंडोरी में और माखोसराय में, इन गांव में हो गया, बाकी भी शुरू होंगे। भले ही यहां हमारे विधायक नहीं हो, जैसे मैंने कहा कि हमने विकास का काम सब जगह चक्री चलाई, जो 2 बार में यहां उतर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई है, दोनों में जो जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए, और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये 250 भी हो जाते हुए क्यों नहीं, इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। अब आपका विधायक ही सुस्त है, उस विधायक ने कभी आकर के ये नहीं कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ का और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले और सारे काम, चाहे कितने करने पड़े, सारे हम करेंगे। मित्रों, विकास के नाते कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन परिवार का जो प्यार है इसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और उस बात को आप समझ रहे होंगे, आज कुछ लोग जो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं उनको आप दरकिनार कर दो, उनको कोने में अलग से छोटे ग्रुप में खड़ा कर दो, और बिना डर के आने वाले 30 तारीख को, कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर अंदर भय लगता है, पता नहीं कल को क्या होगा, मैं कह रहा हूं कल को ये सरकार भी यही है और 3 साल की गारंटी तुम्हारी है ही है, अगले 3 साल में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, 3 साल तो तुम्हारा किसी का बात का यानी आड़े होड़े नहीं देते। और फिर जिस बात को हमारे बहन सुनीता जी ने कहा कि परिवार तो वही है, उस परिवार का कितना बड़ा हिस्सा हमारे साथ है, अगर अब कोई दबंगई दूसरा करेगा तो मुकाबला करने वाले ये करेंगे, अपने आप ये करेंगे। फिर चाहे चौधरी
अजय सिंह जी हों, चाहे दुष्यंत जी हों, चाहे आदित्य चौटाला हों, चाहे रणजीत सिंह जी हों, आखिर एक ही घर है। लेकिन सिद्धांत के साथ, सत्यता के साथ जो खड़े होने वाले हैं वही हमेशा जीतते हैं।